भारत की समुद्री सुरक्षा में बड़ी सेंध लगने की खबर आ रही है। खबर यह है कि भारत को मिले 6 फ्रांसीसी सबमरीन स्कॉर्पिन से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज लीक हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के हवाले से खबर आई है कि फ्रांस की कंपनी DCNS की भारत में बनाई गई 6 स्कॉर्पिन पनडुब्बियों से जुड़े 22,000 पन्नों के दस्तावेज लीक हो चुके हैं। दरअसल ये पूरा मामला ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के अरबों डॉलर का एक डिफेंस प्रोजेक्ट फ्रांस की कंपनी DCNS को मिला है और इसमें जापान जर्मनी की कंपनियां फ्रांस से पिछड़ गई और इसी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ये खबर आई है कि भारत को दी गई पनडुब्बियों के टॉप सीक्रेट लीक हो चुके हैं और इस मामले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी बयान दिया है। पर्रिकर ने कहा है कि इस मामले की जांच शुरू हो गई है और जांच की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। संवाददाता मनीष इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष, ये कितनी बड़ी खबर है भारत के लिए और कैसे ये लीक हुआ है 22,000 पन्नों का दस्तावेज, क्या इस संबंध में जानकारी है? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है प्रीति, हमारे सुरक्षा के लिहाज से, और बहुत बड़ा एक समझिए कि एक बहुत बड़ी बात है। सिक्स सबमरीन यानी 6 पनडुब्बियां जो है ये जो फ्रांस की कंपनी है ये भारत के लिए बना रही थी, साथ ही साथ कई वेसल पे भी काम चल रहा था। तो जाहिर तौर पर 22,000 पन्नों का और ये पूरा कॉम्बैट जो कैपेसिटी है ये लीक हुआ है, जो ऑस्ट्रेलियन अखबार के जरिए खबर आ रही है, तो एक बहुत बड़े सुरक्षा में सेन। आपको बता दें कि फ्रांस भारत का बहुत बड़ा जो सिक्योरिटी पार्टनर है, जो हमारे न केवल लड़ाकू विमान बल्कि पनडुब्बी बनाने में भी फ्रांस के साथ एक बहुत बड़ा सहयोग, भारत का कई सालों से मिराज से लेकर राफेल डील तक बातचीत चल रही है, और उसके बाद अगर 6 पनडुब्बियों की जो दस्तावेज है, जो कॉम्बैट कैपेसिटी है, अगर वो दस्तावेज अगर लीक होती है तो भारत के लिए एक बहुत गंभीर चिंता की बात जाहिर तौर पर, और ये ऑस्ट्रेलियन खबर के अखबार के जरिए ये खबर सामने आई है। हालांकि प्रीति, रक्षा मंत्री कह रहे हैं, उन्होंने नेवी चीफ को कहा है कि इस मामले की वो इंक्वायरी करें, इस बात की जांच पड़ताल करें। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि हैकिंग की भी अंदेशा है, लेकिन पूरा जब जांच होगी। पीके सहगल साहब हमारे साथ डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। पीके सहगल साहब, ये दस्तावेज लीक होना भारत के लिहाज से सुरक्षा के मद्देनजर कितना बड़ा ये खुलासा है, कितनी बड़ी ये लीक है जिसका असर भारत पर सीधे तौर पर पड़ेगा? देखिए, कोई भी डिफेंस के मामले में जो लीकेज है वो बड़ा सीरियस और बड़ा गंभीर मामला है, और इसका बहुत बड़े पैमाने पर जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। दुश्मन की हर समय कोशिश होती है कि आपके पास जो भी हथियार हैं उसकी जो खुफिया काबिलियत है उसके बारे में जानकारी हासिल करे, खास करके उसके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है उसमें किस प्रकार की मिसाइलें हैं, उनके जो कंट्रोल सिस्टम है वो कैसे हैं, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, क्योंकि अगर उन सबमरीन का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दुश्मन को मिल जाए तो आपके सबमरीन को बड़ी आसानी से वो ट्रैक कर सकता है। ये कहां तक सही है मालूम नहीं, क्योंकि जो बाकी कंपीटिंग कंपनीज होती हैं जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो कई बार इस मासिक की लीक्स वो खुद प्लांट करते हैं ताकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द कर दिया जाए और उनको उसका फायदा हो। तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से दिखे नहीं, पता इन्फॉर्मेशन नहीं आई, फ्रांस से नहीं आई, कहा जा रहा है कि एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज पेपर ने दिया है, ये कहां तक सच है? क्योंकि ये स्टोरीज अक्सर अक्सर दूसरे देश प्लांट करते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिकन। लेकिन अगर वास्तव में अगर लीकेज हुआ है तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू, और लीकेज किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन की लीकेज हुई है वो जल्दी से जल्दी जांचना और पता लगाना जरूरी है, क्योंकि जहां तक हो सके तो अभी तो सबमरीन बन रही है 6 स्कॉर्पिन सबमरीन, तो अल्टरनेटिव्स कैन बी थॉट थ्रू एंड पुश्ड इनटू, नहीं तो वो लीकेज का इंफॉर्मेशन लीकेज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। नहीं, लेकिन साथ ही ये खबर ये भी कि DCNS खुद ये कह रही है, जो निर्माता कंपनी है पनडुब्बी की, कि हम इस मामले में जांच करेंगे, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी कह चुके हैं, लेकिन जांच एक अलग बात है, सुरक्षा का एक बड़ा सवाल जरूर इस खबर के सामने आने के बाद खड़ा हो जाता है। पीके सहगल साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, डिफेंस मामलों में खास करके सबमरीन अंडर वाटर काम करती है, ये बहुत बड़ी आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लीक हो जाए तो उनको बड़ी आसानी से सर्वेलेंस करके उनको ट्रैकिंग किया जा सकता है, फिर उसके अंदर जिस प्रकार के मिसाइल लगे हुए हैं, जिस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट लगा हुआ है, जिस प्रकार का स्टेल्थ इक्विपमेंट लगा हुआ है, जिस प्रकार के इसको अपने आप को सुरक्षित करने की टेक्नोलॉजी है, अगर उनकी इंफॉर्मेशन दुश्मन को मिल जाए तो ये बहुत बहुत बड़ा
आपका सिक्योरिटी में एक किस्म से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आप जैसे बता रहे हैं कि बड़ा समझौता होगा अगर ये तमाम दस्तावेज लीक हुए हैं और 6 पनडुब्बियों से जुड़ा मामला है, ऐसे में यहाँ पर ये भी हम समझना चाहेंगे पीके सहगल साहब कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन को लीक करने के पीछे सीधे तौर पर मकसद कंपनियों से जुड़ा हुआ होता है या फिर देशों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी हासिल करना होता है। क्या ये सीधा जो जुड़ाव है वो ठेके से संबंधित होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है इसे? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में तो होता है कि किसी भी हालत में जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है और कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्री है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है किसी प्रकार के लीक नहीं करेगी। या तो लीकेज हो सकता है हिंदुस्तान की तरफ से या जो कंपीटिंग कंपनी। आपको याद होगा कि पहले जो सबमरीन हिंदुस्तान में एक HDW सबमरीन बनाई थी जर्मनी के टेक्नोलॉजी से, और उसकी जो टेक्नोलॉजी हमको दी थी वो जर्मनी ने लीक कर दी थी साउथ अफ्रीका को, और जब वो साउथ अफ्रीका को लीक हो गई तो वो तमाम जर्मनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया था। जी जी, क्योंकि बहुत बड़ा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ था। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है पीके सहगल साहब कि एक बड़ा सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज होगा अगर ये दस्तावेज लीक हुए हैं, और इनमें तमाम बातें क्या क्या हैं इसको लेकर तमाम जांच जरूर बिठाई जाएगी जैसा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कह रहे हैं, और साथ ही जो कंपनी है जिसने ये पनडुब्बियां दी है भारत को वो भी जांच की बात कह रहा है, लेकिन एक बड़ा सुरक्षा को लेकर ये चूक का मामला सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल साहब, साथ ही मनीष आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए।